राम रहीम की अय्याशी डेरे में रहती विष कन्याएं बिस्तर में लाती थी शाही बेटियां। गुरमीत राम रहीम दो साध्वियों से रेप के केस मामले में 20 साल जेल की सजा काट रहा है। वो कोठरी में बंद है और जेल के बाहर उसके कुकर्मों के लगातार और गजब खुलासे आ रहे हैं। अब पता चला है कि 750 एकड़ में फैले डेरा सच्चा सौदा के हेड क्वार्टर में राम रहीम ने अपनी चुनिंदा विष कन्याएं भी छोड़ रखी थी। इन विष कन्याओं का काम बलात्कारी बाबा के बिस्तर के लिए शाही बेटियां तैयार करना होता था। डेरे में रहने वाली विष कन्याएं मासूम लड़कियों को यहां लेकर और बहलाकर लाती थी। बाबा ने उन्हें पवित्र करने के लिए और खास आशीर्वाद देने के लिए गुफा के भीतर बुलाया है। ये वो महिलाएं शामिल होती थी जो खुद जवानी के दिनों में बाबा की हवस का शिकार बन चुकी हैं। डेरे से जुड़े एक अनुयायी की माने तो वहाँ आने वाली हर लड़की पर इन विष कन्याओं की नजर होती थी। बेहद खूबसूरत लड़कियों को डेरे में बने स्कूल में पढ़ाने और किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता था। इन खास लड़कियों को अन्य दूसरी लड़कियों से दूर रखा जाता था और बाबा के हम बिस्तर होने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। रात के वक्त ऐसी ही एक शाही बेटी को उसी रास्ते के जरिए बाबा की गुफा में पहुंचाया जाता था, जहां उसे पिताजी की माफी यानी कि डेरे की साध्वियों के बीच प्रचलित एक कोडवर्ड जिसका मतलब राम रहीम के साथ हम बिस्तर होना होता मिलती थी। ये नहीं कि इन विष कन्याओं की ये भी जिम्मेदारी होती थी कि ये इस बात को सुनिश्चित करे कि ये लड़कियां राम रहीम के खिलाफ किसी से बात नहीं करे। जब इन लड़कियों को ऐसा करते हुए पाया जाता था तो इन्हें अगले 24 घंटों के लिए खाना पीना नहीं दिया जाता था, लेकिन जब लड़कियां इसके बाद भी मानती नहीं थी तो उन्हें मन सुधार कमरे में ले जाया जाता था और वहाँ उन्हें कुर्सियों से बांध कर पीटा जाता था। यहाँ उन लड़कियों को भी अपनाया जाता था जिन्हें पैदा करने के बाद माँ बाप उनका पालन पोषण करने में समर्थ न होते थे। उनको शाही बेटी कहा जाता था। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए डेरे के पूर्व अनुयायी ने दावा किया कि अनाथालय की शाही बेटियों का बाबा राम रहीम रेप करता था। तो देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, प्रिया की रिपोर्ट।